आज मसाला किचन में बन रहे हैं ऐसे मोमोज जो कि बिगनर्स भी बना सकेंगे आराम से। एक ही टाइम में ढेर सारे जब मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे तो उसे बनाना भी बड़ा आसान होगा और खाना भी। आज बनाएंगे मोमोज। मोमोज सभी को पसंद होता है लेकिन मोमोज बनाना सभी को नहीं आता। लेकिन आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मोमोज का जो शेप है ना वो भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब आप इस तरीके से मोमोज बनाइए और ढेर सारे एक ही दफा में बना लीजिए। आज मोमोज के सारे सीक्रेट आपको बताऊंगी 5 ट्रिक्स के साथ। स्ट्रीट में कैसे बनाई जाती है मोमोज की स्पेशल मेयोनी और रेड गार्लिक सॉस। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो आज हम पहले मोमोज के लिए ये देखते हैं, पहले उसका जो डो बनाते हैं उसे कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी लिया है मैदा। मैदे में हमने थोड़ा सा नमक डाला है, कोई मोयन, मोयन का मतलब होता है ऑयल वगैरह, कुछ नहीं डाला है। बस उसे आइस कोल्ड वाटर से आपको गूंथना होगा और गूंथते टाइम आप कोशिश कीजिए कि उसे जो हमें गूंथना है थोड़ा सा टाइट सा डो हो, ज़्यादा लूज ना हो। जितना टाइट होगा उतना हम पतला बेल सकेंगे, जितना पतला मोमोज होगा उतना ही टेस्टी होगा। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए आप बनाइए। और आटे से मोमोज कैसे बनाए जाते हैं, गेहूं के आटे से जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मोमोज एक्चुअल कैसे बनाए जाते हैं शेप दे देकर, वो भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। तो ये सारी रेसिपी तो हैं, पर आज मुझे ऐसा लगा कि जो बच्चे नहीं बना पाते हैं उनका भी तो मन करता है ना खाने का, तो उनके लिए रेसिपी लाई हूँ। तो अब मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है ठंडे पानी से, थोड़ा टाइट सा है। अब मैंने इसे एक जिपलॉक में रख कर इसे फ्रिज में रख देती हूँ। आप किसी जिपलॉक में ना भी रखें, एक कटोरी में ढक कर रखें, जैसे वो ऊपर से पपड़ी ना जमे। थोड़ा ऑयल लगा के रख सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसे फ्रिज में रख दीजिए आधे घंटे के लिए। अब मोमोज के लिए होती है बहुत सारी सब्जियाँ। इन सारी सब्जियों को हम फाइन चॉप कर लेते हैं। किसी भी बहाने हमारे बच्चे सभी लोग घर में सब्जियाँ खाएं। मेरे पास है हरी प्याज, थोड़ी सी अभी मिल रही है मार्केट में, और नहीं मिले तो नॉर्मल प्याज तो होता ही है। शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है। अभी मुझे हाल ही में किसी ने बताया था कि पत्ता गोभी हम लोग नहीं खाते, कई बार मैं भी नहीं खाती, पर सीजनल अगर आता है तो मैं ले लेती हूँ, और उसे भी बहुत ध्यान से देख के। और अगर आप नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। नॉर्मल गोभी को बारीक कट कर सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, मैश्ड पोटैटो डाल सकते हैं बॉईल किया हुआ, आप पनीर वाले भी मोमोज बना सकते हो। ये सारी चॉइस आपकी है। आप जब घर में सारी चीजें बनाते हो ना तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से बनाएंगे भाई। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, अगर जैन है तो प्याज लहसुन नहीं डालना है, सिरका नहीं डालना है तो नींबू डालना है, ये सारी चीजें हमारे हाथ में। आप चाहें तो इसमें भी आप लंबी कटिंग कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, सारी चीजें आपके ऊपर है। ये देखिए खूब सारी सब्जियों को हम इस तरीके से काट सकते हैं। ये देखिए पूरी प्लेट भर के सब्जियां हमारे पास हो गई। इन सारी बारीक कटी हुई सब्जियों को हम एक बड़े बोल में डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको ट्रिक्स दूंगी, वो ज़रूर फॉलो करना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके भी मोमोज बहुत ही टेस्टी बने। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और काली मिर्च डाल दी। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आपको ये लगेगा कि सब्जियों को तो वॉश ही नहीं किया। जब भी सब्जियाँ हम लाते हैं एक तो उसी समय हम सारी वॉश कर लेते हैं, और दूसरा ये कि जब आप काटने के लिए बैठते हो तब आप पहले से ही वॉश कर लेते हो, तो काटने के बाद सब्जियों को आपको वॉश नहीं करना है। नमक काली मिर्ची डालने के बाद इसमें एक छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दो, पिसी हुई ना हो तो नॉर्मल डाल दो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अब इसमें डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालिए, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं। अब इसमें एक छोटा चम्मच इसमें डाल दीजिए ऑयल, जी हाँ ऑयल, ये हमारी सब्जियों को मॉइस्ट रखेगा। जब हम इसका पानी निकाल भी देंगे ना लेकिन सब्जियां हमारी ड्राई ड्राई नहीं लगेंगी। तो अब इन्हें ढक कर, आप सारी चीज़ों को डालकर ढक कर आप इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दीजिए, जब तक हम तैयारी कर लेते हैं मोमोज के लिए। अब आपको मोमोज को किस में करना है स्टीम, तो वो बात है। वैसे तो मोमोज के लिए छोटी छोटी लोइयों को कट करके गोल गोल आप बेलते रहते हो, लेकिन आज हमें बड़ी सी रोटी बनानी है और पतली बनानी है। और इधर से मैंने इडली मेकर को लिया है। इडली मेकर हर घर में होता है, इडली मेकर ना हो लास्ट में ये भी बताऊंगी कि हम किस में बना सकते हैं। अब हमने एक तरफ स्टीमर रख दिया है और एक तरफ मैंने ये देखा कि इन सब्जियों में 15-20 मिनट में काफ़ी सारा पानी निकल आया है। ये देखिए आप एक मलमल के कपड़े में या चुन्नी के कपड़े में डालकर सारा पानी निकाल दीजिए।
अभी आपकी सब्जियां बिल्कुल ड्राई नहीं होंगी, मॉइस्ट बनी रहेंगी, क्योंकि हमने इसमें नमक, चीनी और ऑयल डाला था। और फ्रिज में से उस आटे को भी निकाल लीजिए, काफ़ी अच्छे से ठंडा है। और यही इनकी ट्रिक होती है जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया मोमोज बन पाते हैं। इस आटे से हमारे कम से कम 40 मोमोज बनेंगे, तो हम आराम से काफ़ी लोग खा सकते हैं। अभी हमने आधा आटा लिया है, उसके दो पार्ट कर लिए हैं और दोनों पार्ट हमें लगेंगे। पहले एक पार्ट को हम एक लोई बनाकर पतला सा बेल लेते हैं। जितना हो सके आप पतला बेलिए, जरूरत पड़े तो थोड़ा मैदे को डस्ट कर सकते हैं। मोमोज पसंद सभी को आते हैं, लेकिन बस यही रहता है कि कौन इतनी देर बैठ के बनाए। तो गर्मियों का टाइम है, आपका टाइम भी बचेगा और एक टाइम में काफ़ी सारे मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे और थोड़ा डिफरेंट लुक भी होगा तो अच्छा भी लगेगा। ये देखिए, आपने देखा कितना पतला मैंने बेल दिया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा। यहाँ पर मैंने इडली मोल्ड ले लिया जिस पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। इसमें वन टाइम में 19 मोमोज एक टाइम में बन जाएंगे, तो ये हमारे पूरे आटे से दो बार ये बन जाएगा। इसके ऊपर पूरी ये रोटी को बिछा दीजिए। बस ध्यान रहे कि जो अंदर होल है ना इडली जैसे, उस पर ये पूरा नीचे बिछना चाहिए। तो फिंगर से आप इस तरीके से कर दीजिए कि उसमें हम फिलिंग रखें तो आराम से रख सकते हैं। आपने देखा ना कितना अच्छे से इसमें सेट हो गया। अब जो आपको होल्स दिख रहे हैं ना, उस होल्स में आप ये फिलिंग रखते जाइए। बहुत अच्छे से रखिए, कोई घबराइए नहीं, बहुत ही बढ़िया रहेंगी ये। सारी फिलिंग रखने के बाद जो दूसरा हमारे पास पार्ट बचा था मैदे का, उसे भी मैंने इसी तरीके से पतला बेल दिया और बेलने के बाद इसके मैंने इसी के ऊपर लगा दिया। ये देखिए, दबाते टाइम बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर जो कटोरी नुमा है तो उसी में ये मोमोज अपने तैयार हो जाएंगे और साइडों से बस ये जो रोटी है चिपकी रहे। और ये रोटी भी मैंने उतनी ही ट्रांसपेरेंट बनाई है। पानी स्टीमर में बॉयल हो रहा है, आप किसी पतीले में, कढ़ाई में, किसी में भी रख सकते हैं। बस अब ये मोमोज की ट्रे को, ये इडली मोमोज कह सकते हैं, आप इसे क्या नाम देंगे मुझे जरूर बताइए। मुझे तो ये इडली मोमो लग रहे हैं। अब मैंने इसे इसके अंदर स्टीम देने के लिए रख दिया करीब करीब 10 से 12 मिनट के लिए। अब चलते हैं मोमोज की वो स्पाइसी चटनी बनाने के लिए जो हमें स्ट्रीट स्टाइल मिलती है। सब यंगस्टर्स तो उसके लिए दीवाने हो जाते हैं। आखिर उस चटनी में है क्या, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिए मैंने कुछ लाल मिर्चें सूखी वाली और कुछ कश्मीरी लाल मिर्चें, उनको मैंने भिगो दिया था। अब डंठल हटा के मैंने उन सबको मिक्सी के अंदर डाल दिया है। एक और बात, अगर आपके पास ये मिर्ची ना हो तो घबराए नहीं, आप एक टेबल स्पून डाल दें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लालें नॉर्मल कुटी हुई लाल मिर्चें, और उसमें डाल दीजिए 2 बड़े टमाटर कट करके और खूब सारी लहसुन। अब इन सबको हम पीस लेते हैं, आगे हम इसे छानने भी वाले हैं। जब हम पीस लें उसके बाद यहाँ पर रख दीजिए एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दीजिए थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फिर से 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मार्केट में तो खूब सारा कलर डाला जाता है, कश्मीरी लाल मिर्च को नहीं यूज़ किया जाता है। ये आपकी च्वाइस है आप कैसे बनाने वाले हो। अब उसके बाद इसमें जो हमने प्यूरी बनाई उसे मैं छान के इसमें डाल देती हूँ। अब इसे मैं थोड़ा पकाऊंगी, थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है। ये प्लेन सी गार्लिक सॉस बन रही है, इसमें अब हम क्या डालने वाले हैं वो देख लेते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी। यहाँ पर खूब सारा अजीनोमोटो डाला जाता है, पर आप बिल्कुल न डालें, आप अपनी च्वाइस के हिसाब से बनाएं। अब इसमें जो एक सीक्रेट डाला जाता है जो मार्केट वाले कभी हमें बताते नहीं हैं, वो होता है मैगी मसाला। ये मैगी मसाला घर में कैसे बनाया जाता है मैंने आपको रेसिपी दे रखी है, नहीं तो मार्केट में पाउचेस मिलते हैं, आप लीजिए और उसमें एक पूरा बड़ा एक पाउच डाल दीजिए। डालने के बाद इसे थोड़ा सा पका लीजिए, कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए आपको उस हिसाब से इसे निकाल कर बोल में रख दीजिए। बस और कुछ करना ही नहीं है और इसे 1 वीक तक आप इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं उस व्हाइट सॉस के लिए, वो व्हाइट मेयोनी ये लोग कैसे बनाते हैं और भर भर के दे भी देते हैं, तो होता क्या है इसमें चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून डाल दिया नॉर्मल दूध। दूध यूज करें ठंडा, जो फ्रिज का ठंडा दूध होता है। अब यहाँ पर डाल दीजिए एक बड़ा सा आलू जिसे मैंने कट कर दिया छोटे छोटे पीसेस में। डाल दीजिए थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चीनी। अब इसमें डाल दीजिए, वैसे तो ये लोग थोड़ी सी क्रीम यूज़ करते हैं, लेकिन क्रीम ना हो तो घर की फ्रेश मलाई डाल दीजिए 2 से 2.5 टेबल स्पून। कुछ नहीं करना है, बस इसे ग्राइंड करना है। मज़ा देखिए कितनी बढ़िया ये मेयोनी बनकर तैयार हो जाती है।
लग रही है ना, बहुत ही बढ़िया सी मेयोनी। और यही मेयोनी ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये नकली मेयोनी पोटैटो मेयोनी होती है, ज़्यादा टाइम चल नहीं सकती है, लेकिन इस मेयोनी को आप भर भर के खा सकते हो। तो अब आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए, 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रख कर आप इसे यूज़ कर सकते हो। उस टमेटो सॉस को और मेयोनी को आप मोमोज के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, ऊपर थोड़ा जिगजैग करके भी खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब चिली गार्लिक सॉस और मेयोनी मोमोज के लिए तैयार हो गई है। अब देखते हैं वो मोमोज की क्या कंडीशन है, चलिए देख लेते हैं, उसे भी निकाल लेते हैं। अब मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगी, मोमोज निकालने से पहले अगर आपके पास मोमोज के लिए ये इडली वाला, इतनी सारी इडली बनाने वाला स्टैंड ना हो, तो हमारे घर में छोटी छोटी जो ये होती है ना कटोरियाँ, उसमें भी आप बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। आप एक आइस ट्रे भी ले सकते हैं, जो हम फ्रिज में आइस जमाते हैं, उसमें भी बहुत ही बढ़िया आप बना सकेंगे। चलिए मोमोज को निकाल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टीम्ड हो चुके हैं और ये ट्रांसपेरेंट भी लग रहे हैं। मैंने इसे एक ट्रे के ऊपर उल्टा दिया है। अब आपका मन करे तो आप इसे गोल गोल कट करने के बाद सर्व कीजिए, मतलब जब आप सर्व कर रहे हैं ऊपर से गोल गोल डाल दीजिए कुकी कटर से, जिससे आप उठाने वाला आराम से उठा सके, या फिर छुरी काटे से आप कट करते हुए खाते जाइए। अब ये जो मैंने चटनियाँ बनाई है ना, उन्हें मैंने इस तरीके से इस बड़े से प्लेटर के ऊपर जिग जैग कर लिया है, आप चाहें तो अलग से कटोरियों में रख दें, ये आपकी च्वाइस है। बारीक कटे धनिए से या हरी प्याज से गार्निश कर दीजिए। बहुत ही अमेजिंग ये मोमोज हैं और खाने में भी स्वाद है, बनते भी फटाफट हैं, और ये देखिए चम्मच से आप उठाकर इन्हें खा भी सकते, लग रहा है ना बहुत ही अमेजिंग से। इसके लिए खास बात का आपको ध्यान रखना होगा, जो ट्रिक्स मैंने बताई है, कैसे हमें मोमोज की फिलिंग बनानी है, मोमोज के लिए जो हमें बेलना है आटा उसे पतला रखना है, और उसे स्टीम कैसे देना है, और एक ही टाइम में इतने सारे जब मोमोज बन जाते हैं तो सब मिलकर जब खाएंगे ना उसे कट कट करके, तो मज़ा ही आ जाएगा। ये मोमोज की आइडिया आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल पर सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।